कोरोना संक्रमण की दहशत और लॉकडाउन के कारण सन्नाटे का फायदा उठाकर खिड़की से घुसकर चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य एवं चोरी गया माल जब्त किया गया। राजगढ़ जिले के पीलूखेटी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित वायर बनाने की फैक्ट्री लैप इंडिया के गार्ड मुकेश परमार पिता रमेश चंद्र परमार निवासी कुरावर जिला राजगढ़ ने दिनांक 13 अप्रैल को थाना में सूचना दी कि लॉकडाउन के कारण फैक्ट्री बंद थी, जिससे अंदर आना जाना कम रहता था। लेकिन चेक करने पर फैक्ट्री की एक खिड़की टूटी मिली तो आशंका के चलते कैमरे चेक करने पर पता चला कि तीन लड़के पेड़ की मदद से 12 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल बांधकर फैक्ट्री में घुसकर 5 बंडल तार चोरी कर ले गए हैं। संभवतः गार्डों की आवाजाही से बड़ी चोरी नहीं हो पाई और चोर भाग गए। सूचना पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना कुरावर में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में शाहरुख पिता रईस खां, आरिफ टिटड्डा पिता सलीम बिंडा, मखन पिता श्यामलाल मालवीय निवासी ग्राम लीलाखेटी थाना कुरावर जिला राजगढ़ के हैं। पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उनके कब्जे से 5 बंडल काले रंग का तार विधिवत जब्त किए, जिनमें कंपनी का नाम लैप इंडिया प्राली अंकित होना पाया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। गौरतलब है कि जहां कुरावर पुलिस अपने सीमावर्ती जिले से कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव में बॉर्डर चेकिंग लगाकर 24 घंटे चेकिंग कर रही है, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन हो, साथ ही लॉकडाउन में फंसे बेसहारा लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, इतने कठिन परिस्थितियों में भी इन तीन शातिर चोरों को पकड़ कर फैक्ट्री का माल बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है, जिसे पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित विभिन्न कंपनियों का पुलिस के प्रति और विश्वास बढ़ा है, जिसे बखूबी देखा जा सकता है। उपरोक्त सफलता में थाना प्रभारी कुरावर श्री विभेंद्र व्यंकट टांडिया के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक बलबीर सिंह लांबा, प्रधान आरक्षक अमृत लाल, आरक्षक राम सिंह, अनिल परमार, प्रताप सिंह भोपाल वर्मा सहित टीम का विशेष योगदान रहा। पीलूखेड़ी से शाहिद पठान की रिपोर्ट। ये जो सर आपके द्वारा इस वारदात के अपराधियों को जो पकड़ा है, इसके संबंध में थोड़ा बताएं। दिनांक 13/4/20 को अभी अप्रैल में ये लैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये हमारे पीलूखेड़ी में संचालित है। यहाँ गार्ड इंचार्ज हैं मिस्टर मुकेश परमार, ये थाना आए थे और इन्होंने बताया था कि सर खिड़की कोई तोड़ के वायर 3-5 बंडल सॉरी लगभग चोरी कर लिए हैं और इन्होंने कैमरे में देखा था तो तीन लोग दिख रहे थे और चूंकि वहाँ गार्ड 5 गार्ड ऑन ड्यूटी था तो शायद वो गार्ड आ जा रहे थे तो ये बड़ी चोरी नहीं हो पाई और ये भाग गए थे। और फिर हम लोगों उसको जैसा उनका सूचना था, सूचना पर अपराध क्रमांक 78/20 धारा 457-380 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और चूंकि फैक्ट्री में चोरी हुई थी हम लोग लगातार इस समय बहुत व्यस्त भी हैं, हमारे यहाँ बॉर्डर का चेकिंग पॉइंट भी लगा है तो उन सब में और कोरोना का संक्रमण देखते हुए कई जगह ड्यूटी लगी थी, हम लोग इसको पकड़ने में सतत लगे हुए थे। मुखबिर से ऐसा हम लोगों को सूचना मिला कि गीलाखेड़ी में तीन लोग हैं जिसमें एक शाहरुख पिता रईस खां, दूसरा आरिफ उर्फ टिड्डा पिता सलीम बेंडा, तीसरा है माखन पिता श्यामलाल, ये सभी गीलाखेड़ी के हैं। ये एक बोरे में ये वायर रखे हुए हैं और ये बेचने के फिराक में हैं। जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने एक टीम बनाया और टीम को लीड हमारे ASI हैं मिस्टर बलवीर सिंह लांबा, इन्होंने लीड किया और हवलदार हैं अमृत लाल, इनके साथ हमें अनिल परमार हमारे आरक्षक हैं, राम सिंह आरक्षक हैं, प्रताप सिंह आरक्षक हैं, भोपाल वर्मा आरक्षक हैं, ये लोग गए और इनको पकड़ने में हमें सफलता मिली। और ये जो चोरी गया माल था ये वायर जिसमें लैप इंडिया का ट्रेडमार्क लगा हुआ है, ये वायर को जो चोरी गया मसरूका था इसको जब्त किया गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता